वो फिल्म की कहानी की शुरुआत में एक चॉकलेट फैक्ट्री दिखाई जाती है। फैक्ट्री वह जगह है जहाँ विभिन्न प्रकार की चॉकलेट बनाई जाती है। फैक्ट्री के मालिक का नाम विली वोंका है। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए विली वोंका ने 5 चॉकलेट बार में एक सुनहरा टिकट छिपाया है और चॉकलेट को पूरी दुनिया में उपयोग के लिए भेजा जाता है। जिन कस्टमर्स को वे सुनहरे टिकट मिलेंगे उन्हें एक स्पेशल इनाम दिया जाएगा। फिर अगले सीन में एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली है और उसका परिवार बहुत गरीब था। वे अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण गरीबी में रह रहे थे और उनका घर ऐसा था जैसे ऐसा लगता था कि यह किसी भी समय ढह जाएगा। थोड़ी देर बाद चार्ली के पिता घर आते हैं जो टूथपेस्ट कंपनी में काम करते थे और उन्हें चार्ली के लिए टूथपेस्ट के कुछ ढक्कन लाए जाते दिखाया गया है। यह देखकर चार्ली इतना खुश हो जाता है क्योंकि चार्ली विली वोंका की कंपनी का प्रोजेक्ट बना रहा था। यह देखकर चार्ली के दादा ने उसे बताया कि मैं पहले विली वोंका की कंपनी में काम करता था। विली वोंका ने 15 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री बनाया। यह दुनिया की सभी कंपनी की तुलना में 60% बड़ा था। इससे प्रेरित होकर इंडियन राजकुमार ने विली वोंका को एक चॉकलेट का महल बनाने का आदेश दिया। विली वोंका भी ऐसा ही करता है। इसका मतलब है कि उसने आदेश के अनुसार एक चॉकलेट महल बनाया। वह राजकुमार को भी इसकी सूचना देता है। यह महल अधिक दिनों तक नहीं रहेगा क्योंकि तापमान इतना अधिक है और चॉकलेट का यह महल पिघल सकता है। लेकिन वह राजकुमार उसके शब्दों को अनदेखी कर देता है। दूसरे दिन यह देखा जाता है कि तेज सूर्य दिखाई देता है। यह दर्शाता है कि तापमान तेज है, इसके कारण चॉकलेट का पूरा महल पिघल जाता है। विली वोंका को पता चलता है कि जब वह अपने फैक्ट्री में वापस आता है कि एक जासूस ने उसके फैक्ट्री में घुसपैठ की थी और यह जासूस अन्य कारखानों के अन्य मालिकों द्वारा भेजा गया था। इसलिए वह विली वोंका की गुप्त रेसिपी चुरा सकता है जिसके माध्यम से वह चॉकलेट बनाता है। अन्य मालिक उस जासूस के माध्यम से सफल रहते हैं। अगले दिन सभी चॉकलेट कंपनियाँ विली वोंका की रेसिपी चुरा कर अपनी प्रसिद्ध चॉकलेट बेचना शुरू कर देती है। विली वोंका को इस रेसिपी पर से हटा दिया जाता है और वह भी चौंक गया है, इसलिए वह अपने पूरे स्टाफ को कुछ भी समझाए बिना बंद कर देता है और वह कंपनी को गुस्से में सील कर देता है। कुछ वर्षों के बाद विली वोंका अपनी कंपनी फिर से शुरू करता है। इस समय विली वोंका वही करता है जो उसने फिल्म की शुरुआत में किया था। इसका मतलब है कि वह 5 चॉकलेट में गोल्डन टिकट छिपाता है। इसके बाद यह घोषणा किया जाता है कि 5 बच्चे जिन्हें यह सुनहरे टिकट मिलेंगे, बच्चों में से एक को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब कस्टमर्स को दुनिया भर में इस चॉकलेट को खरीदने के लिए बढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ चार्ली को देखा जाता है जिसका जन्मदिन इस दिन है, इसलिए उनका परिवार उनके लिए विली वोंका की चॉकलेट खरीदने का फैसला करता है इस उम्मीद के साथ कि उस चॉकलेट से सुनहरा टिकट मिल सकता है। इसके कारण उन्हें वह विशेष उपहार मिल सके और उनके जीवन में खुशहाली आ सके। उस सुनहरे टिकट का पहला विजेता बच्चा, वो बहुत गोल मटोल और मोटा है। गोल्डन टिकट के अन्य विजेता बच्चे, उसका परिवार इतना अमीर है। यह पता चलता है कि यह छोटी लड़की इतनी ज़िद्दी है, इसलिए उसके पिता ने अपने कर्मचारियों को उसकी जीत के कारण 1000 विली की चॉकलेट खोलने के लिए दी। तब उनमें से एक में से सुनहरा टिकट मिला था। फिर चार्ली के माता पिता भी उसके लिए विली वोंका की चॉकलेट लाते हैं। फिर चार्ली उस चॉकलेट को बड़ी उम्मीदों के साथ खोल देता है, लेकिन इसमें गोल्डन टिकट नहीं मिला है। तो चार्ली इस पर इतना निराश हो जाता है, लेकिन वह किसी के प्रति अपने निराशा को प्रकट नहीं करता है, लेकिन अपने परिवार के साथ शेयर करते हुए इस चॉकलेट को खाता है। उसे बहुत मज़ा आता है। तीसरी सुनहरी टिकट एक और छोटी लड़की को मिली जो अपने स्कूल की चैंपियन है और उसने इसके साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। चौथा सुनहरा टिकट उस बच्चे का है जो बहुत ही अड़ियल है, लेकिन वह भी समझदार था क्योंकि उसने अपनी गणना के माध्यम से पता लगाया था कि किस पैकेट में गोल्डन टिकट होगा। इस बच्चे को विली वोंका की चॉकलेट पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपनी एक भी चॉकलेट नहीं खाई थी। यह देखा जाता है कि चॉकलेट की बढ़ती बिक्री के कारण टूथपेस्ट का मूल्य बढ़ गया है, तो उस कंपनी के सभी कर्मचारी वे सभी नौकरी से निकाल दिए जाते हैं ताकि रोबोट को उनके स्थान पर लाया जा सके। चार्ली के पिता अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले थे, तो उनकी कमाई का एक स्रोत आज समाप्त हो गया है, तो उनका घर चलाने वाला कोई नहीं था। लेकिन चार्ली के पिता अपने परिवार के किसी भी सदस्य को यह खबर नहीं बताते हैं। फिर चार्ली के दादा ने उसे कुछ पैसे दिए जो उसकी बचत थी और वह फिर से चार्ली से विली वोंका की चॉकलेट खरीदने के लिए कहता है।
इस उम्मीद के साथ कि नीति अब उनका पक्ष ले सकती है। फिर चार्ली भी ऐसा ही करता है और उस चॉकलेट को फिर से लाता है। वे दोनों पूरी उम्मीद के साथ उस चॉकलेट के पैकेट को खोलते हैं, लेकिन इस समय इसमें सुनहरा टिकट दिखाई नहीं दे रहा है। दुखी होकर चार्ली घर से बाहर आता है। वह एक दुकान से पहले एक नोट का पता लगाता है और वह उसी पैसे से एक चॉकलेट खरीदता है। वह अपनी आंखों में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह उस पैकेट को खोल देता है क्योंकि उसमें एक सुनहरा टिकट मिला था। सभी लोग उस सुनहरे टिकट को देखना शुरू कर देते हैं जो आसपास में खड़े थे, और वे उस सुनहरे टिकट को ख़रीदने के लिए बहुत सारे पैसे देते हैं। लेकिन दुकान के मालिक चार्ली को अपनी सुरक्षा के लिए उस जगह से जाने के लिए कहते हैं, तो कोई चार्ली से उस टिकट को नहीं छीन सकता है। इसलिए वह खुशी से अपने घर लौटता है और वह इंटरेस्ट के साथ अपने परिवार को वह टिकट दिखाता है। चार्ली के दादा खुद को रोकते नहीं हैं क्योंकि वह उस टिकट की झलक देखते हैं। इसलिए वह खुशी से डांस करना शुरू कर देता है और वह अपने बेटे को यह टिकट दिखाता है। वह कहता है, मेरा बेटा इसमें जो लिखा गया है उसे पढ़े। उसका बेटा उसे बताता है, कहा जाता है कि एक बुजुर्ग अपने परिवार से बच्चे के साथ जाएगा। उन्हें चॉकलेट के लोड किए गए ट्रक के साथ वापस भेजा जाएगा जब वे अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि चॉकलेट की मात्रा बहुत अधिक होगी, जैसा कि चॉकलेट खत्म नहीं हो सकता। अगर मानव अपने पूरे जीवन में भी इसे खाना जारी रखता है और 5 बच्चों में से एक को एक विशेष उपहार से सम्मानित किया जाएगा, इसका मतलब है कि ऐसा उपहार जिसकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। चार्ली के दादा यहाँ कहते हैं, मैं चार्ली के साथ जाऊँगा, क्योंकि वह चार्ली के साथ जाने के लिए बहुत उत्साहित था। फिर यहाँ चार्ली बताता है कि एक महिला ने मुझे टिकट के स्थान पर बहुत सारे पैसे दिए थे। उस राशि को प्राप्त करने के बाद हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह सुनकर चार्ली के दादा ने उसे फ़ोन किया और वह समझाते हुए उससे कहता है, मेरे बेटे को देखो, सभी के पास पैसा है, लेकिन यह सुनहरा टिकट दुर्लभ है जो केवल दुनिया के 5 भाग्यशाली लोगों के हाथ में है। यह सुनकर वह सहमत है। अगले दिन सभी 5 बच्चे अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ चॉकलेट कंपनी के सामने की तरफ पहुँचते हैं, और बहुत से लोगों ने भी जिनमें उन्हें छोड़कर सभी को देखने के लिए वहाँ संपर्क किया था। गेट खुलते ही अंदर से आवाज़ निकलती है, सभी का स्वागत है, कृपया अंदर आएँ। इस संदेश को सुनकर सभी अंदर जाते हैं और गेट बंद हो जाता है क्योंकि वे अंदर जाते हैं। वे सभी एक गीत के साथ पूरी तरह से स्वागत करते हैं और इस गीत की रचना विली वोंका पर की गई थी। इसके बाद विली वोंका उनके सामने आता है। सभी बच्चे विली वोंका पर एक अजीब से बातें पूछना शुरू करते हैं। उन्हें विली वोंका द्वारा अजीब तरह से जवाब दिया जाता है। फिर विली वोंका खुद उन्हें कंपनी में बधाई देता है। बाद में वह सभी को बताता है, चॉकलेट से बने इस कमरे में हर वस्तु, जिसमें घास, झरना, पहाड़ और पुल भी शामिल है, आप यहाँ चल सकते हैं और कुछ भी स्वाद ले सकते हैं। यह सुनकर वे सभी बच्चे फैल गए और जम गए। फिर उस जिद्दी छोटी लड़की को वहाँ एक बौने दिखाई देते हैं। वह विली वोंका से उसके बारे में पूछती है, जो उसे बताता है, मैं चॉकलेट के एक नए स्वाद की तलाश में एक जंगल में गया था। उन पेड़ों में इन बौनों की पूरी जमात रहती थी। इस जनजाति के पास बड़ी मात्रा में कोको है, तो विली वोंका इसे हासिल करने के लिए जनजाति के नेता से बात करता है। अगर आप मुझे कोको देते हैं तो मैं आपको अपनी कंपनी में काम करने का मौका दूंगा, जहां आप सभी आराम से रह सकते हैं, आप स्वादिष्ट चॉकलेट खा सकते हैं। इस बीच वह गुलमटोल बच्चा इसे पीने के लिए चॉकलेट पूल में चला जाता है, लेकिन वह गलती से इसमें गिर जाता है। इस बीच एक बड़ी मशीन वहां दिखाई देती है, जिसके माध्यम से चॉकलेट को कंपनी में ले जाया गया। जिस पाइप से यह चॉकलेट ले जाया जा रहा है उसमें यह गोल मटोल बच्चा भी फंसा हुआ है। फिर विली वोंका के सभी कर्मचारी उस गोल मटोल बच्चे के लिए गाना गाने लगते हैं। यह देखते हुए सभी लोग वहाँ चौंक गए। उन्हें कैसे पता चला कि इस मोटे बच्चे को इस पाइप में फंसाया जाएगा? उस बच्चे को ही माँ चिंतित होने लगती है क्योंकि उसका बच्चा फंस जाता है। फिर विली वोंका अपने कर्मचारियों को बताता है, इस गलगुफा बच्चे की माँ फैक्ट्री में प्रवेश करना चाहती है, उसे वहाँ ले जाएं ताकि गलफुल्ला बच्चा अंदर जाए। जबकि अन्य सभी लोग विली वोंका के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए वे एक चॉकलेट स्ट्रीम में एक नाव में सवार होते हैं और वे उस नाव में बैठे हुए दूर चले गए। इस बीच विली वोंका चॉकलेट का स्वाद लेने के लिए चार्ली को देता है। इस नदी से चॉकलेट बाहर निकालता है। चार्ली चॉकलेट का स्वाद चखते हुए विली वोंका से पूछता है, आपने अपने जीवन की पहली चॉकलेट का स्वाद कब लिया था? फिर विली वोंका यह बताते हुए अपने अतीत में चला जाता है। वह बताता है कि मेरे पिता शहर के सबसे महान दांतों के डॉक्टर थे और वह प्रत्येक हेलोवीन इवेंट में मेरे लिए चॉकलेट लाते थे। मेरे पिता ने मेरे दांतों पर ब्रेसिज लगाया था
इसलिए चॉकलेट खाने से मेरे दांत खराब नहीं हो सकते। मेरे पिता मेरी सभी चॉकलेट को आग में फेंक देते थे। बाद में वर्तमान समय दिखाया गया है और इस यात्रा के दौरान कई नए कमरे उनके सामने दिखाई देते हैं। अंत में विली वोंका के पसंदीदा कमरे में पहुँचते हैं। यह एक आविष्कारशील कमरा है जो एक स्पेशल बबल गम बनाया जा रहा था। विली वोंका उन्हें बताता है इस बबल गम में 3 स्वाद है, लेकिन यह अभी भी मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं इसे अब तक अधूरा महसूस कर रहा हूँ। वह चैंपियन छोटी लड़की विली की पूरी जानकारी सुने बिना उस बबल गम को चबाती है। इसके कारण उसका पूरा शरीर नीले बेर की तरह नीले रंग में बदलना शुरू कर देता है। फिर विली वोंका के कर्मचारी एक बार और गाना गाने लगते हैं, लेकिन उस छोटी लड़की की माँ चिंतित हो जाती है। विली वोंका अपने कर्मचारियों से मजाक बनाते हुए कहता है, यह छोटी लड़की नीली बेरी में बदल गई है और उसका रस बढ़ गया है, तो उसे यहाँ से ले जाओ ताकि छोटी लड़की की माँ उसकी बेटी की मदद करने लगे, जबकि बाकी अपना अगला रास्ता तय करते हैं। विली वोंका यहाँ बताता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए चॉकलेट को आग में फेंक दिया था। मैंने उनके बीच जली हुई चॉकलेट खाई थी। इसके बाद मैंने कई चॉकलेट खाए। वर्तमान समय में वे नट्स के कमरे में पहुँचते हैं, जहाँ कई ट्रेंड गिलहरी मौजूद थी। वे ख़राब नट्स को फेंकते हुए अच्छी गुणवत्ता वाले नट्स को चुनते थे और उन्हें छांटते थे। यह देखकर वह जिद्दी छोटी लड़की अपने पिता से कहती है, पापा मैं एक गिलहरी लेना चाहती हूँ, कृपया इसे मेरे लिए लें। यह सुनकर विली वोंका कहता है, आप इसे नहीं ले सकते क्योंकि हम इन गिलहरियों को यहाँ नहीं बेचते हैं। इसके बावजूद कि जिद्दी छोटी लड़की नहीं रुकती, वह उनमें से एक को पकड़ने के लिए उन गिलहरियों के बीच जाती है। फिर यह उन गिलहरियों द्वारा पूरी तरह से नापसंद किया जाता है, तो यह सभी गिलहरी उस लड़की की तरफ आने लगते हैं क्योंकि वे उस छोटी लड़की को अखरोट के रूप में ले रहे थे और वो गिलहरी उसकी जांच कर रही थी। जैसा कि यह एक अच्छा अखरोट है, लेकिन उस लड़की को उन गिलहरियों द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए उन्होंने उसे ख़राब होने की सोचकर उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। फिर उसके पिता भी उसे बचाने जाते हैं। विली वोंका के कर्मचारी फिर से यहाँ एक गाना गाना शुरू करते हैं। वह छोटी लड़की अपने पिता की वजह से जिद्दी है क्योंकि उसके पिता उसकी अच्छी या बुरी इच्छा सभी को पूरी करते थे। फिर गिलहरी में से एक ने उसके पिता को भी उस कूड़ेदान में फेंक दिया, जहां उनकी बेटी को फेंक दिया गया था। फिर बाकी लोग दौरे के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर विली वोंका उन्हें एक अलग लिफ्ट में लाता है। यह लिफ्ट न केवल ऊपर से नीचे की ओर बल्कि बाएं से दाएं चलती थी। वह लिफ्ट के माध्यम से कई कमरों को दिखाता है। चार्ली यहाँ विली वोंका से पूछता है, आपने सब कुछ कैसे शुरू किया? विली वोंका यहाँ बताता है कि मेरे पिता ने मुझे चॉकलेट खाने से मना किया था, मैं चॉकोहोलिक हो गया था, यही कारण था कि मैंने अपना घर छोड़ दिया। फिर वे मौजूदा समय में एक टीवी कमरे में पहुंचते हैं, जहां किसी भी चॉकलेट को टीवी में भेजा जा सकता है और टीवी के दर्शक भी उस चॉकलेट को खा सकते थे। अब एक बुद्धिमान बच्चा इस कहानी में विश्वास नहीं करता है, इसलिए वह इस मशीन को सक्रिय करता है और उसमें जा रहा है। इसलिए वह एक उज्ज्वल प्रकाश के कारण गायब हो जाता है, इसलिए वह टीवी के अंदर पहुँच जाता है। इस वजह से उसका आकार भी कम हो गया था। फिर विली वोंका के कर्मचारी एक बार और यहाँ गाना गाना शुरू करते हैं। यह गीत उस बुद्धिमान बच्चे पर रचा गया था। फिर उस बच्चे के पिता उस बच्चे को टीवी से बाहर लाते हैं। उस बच्चे का आकार अभी भी छोटा था, तो उस बच्चे के पिता विली वोंका से पूछते हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए, वह अपने सामान्य आकार को कैसे बहाल करेगा? विली वोंका अपने कर्मचारियों से कहता है, इसे स्ट्रेच रूम में ले जाया जाए, जहाँ स्ट्रेचिंग के बाद उसे लंबा किया जाता है। अब विली वोंका ने यहाँ नोटिस किया कि चार्ली बस बचा हुआ है, अन्य सभी बच्चे अपने मूर्खतापूर्ण कामों के कारण छोड़ दिए गए हैं। चार्ली विजेता है और वह उस पुरस्कार का हकदार है। विली वोंका फिर से उन्हें एक लिफ्ट की ओर ले जाता है। फिर वह एक बटन दबाता है जो ऊपर और नीचे दोनों दिशा के लिए है। इसे दबाते हुए लिफ्ट ऊपर जाती है, जो फैक्ट्री से बाहर आती है, जहाँ यह देखा जाता है कि 4 बच्चे बदतर स्थिति में वापस लौट रहे हैं। चार्ली इस बारे में विली वोंका से पूछता है, तो विली वोंका लिफ्ट के माध्यम से चार्ली के घर पहुंचता है। वह चार्ली के घर की छत को नुकसान पहुंचाते हुए चार्ली के घर पहुंचता है। चार्ली के माता पिता चार्ली को देखकर खुश हो जाते हैं। विली वोंका चार्ली से कहता है, मैं अपना फैक्ट्री तुम्हें सौंपना चाहता हूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मेरे एक बाल भूरे हो गए हैं, बाकी बाल भी भूरे हो जाएंगे और मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। तो विली वोंका चार्ली को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली विली वोंका के प्रपोजल को खारिज कर देता है और वह कहता है, मेरा परिवार मेरे लिए सबसे प्रिय है, मैं अपने परिवार को दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए कभी भी नहीं छोड़ूंगा। परेशान होने के कारण विली वोंका उस जगह को छोड़ देता है। इसके बाद चार्ली के पिता को टूथपेस्ट कंपनी में काम मिलता है। अब चार्ली की पारिवारिक वित्तीय स्थिति बेहतर हो गई है।
दूसरी तरफ विली वोंका देखा जाता है जो इतना चिंतित दिख रहा था, तो वह एक विचार पर हिट करता है। इसके कारण वह फिर से चार्ली के पास चला जाता है। वह चार्ली से पूछता है, अपने चेहरे को ढकता है, क्या आपने कभी विली वोंका देखा है? चार्ली कहता है, हाँ मैंने देखा है, उसके बाल अजीब लग रहे हैं। विली वोंका यह कहते हुए अपना चेहरा देख रहा है, चार्ली ऐसा नहीं है। वह फिर से चार्ली से फिर कहता है, लेकिन चार्ली फिर से इसे मना कर देता है। वह विली वोंका से पूछता है, क्या आप कभी अपने पिता से मिलने गए हैं? इसके बाद वे दोनों विली वोंका के पिता के घर पहुंचते हैं। उस लिफ्ट में विली वोंका के पिता उन्हें एक मरीज मान रहे थे, इसलिए वह अपने दांतों की जांच करना शुरू कर देता है। उसे अंदर ले जाता है। वह विली वोंका को पहचानने में असमर्थ है क्योंकि वह बड़ा हो गया था। विली देखता है कि उसके पिता ने अपने सभी समाचार लेखों को प्रमाण पत्र जैसे दीवारों पर चिपका दिया है। विली के पिता चेकअप के दौरान उनसे कहते हैं, आपके दांत एकदम सही हैं, मैंने अब तक ऐसे दांत कभी नहीं देखे हैं। विली से पता चलता है कि मैं विली वोंका हूँ, इसका मतलब है आपका बेटा। फिर पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तब विली वोंका यहाँ परिवार के महत्व को जानता है, परिवार किसी के लिए भी आवश्यक है। फिर वह यहाँ चार्ली को एक नया प्रस्ताव देता है। बाद में उन दोनों परिवारों ने चार्ली के घर पर खुशी से एक साथ भोजन करना शुरू कर दिया, क्योंकि विली वोंका ने चार्ली के घर को अपने चॉकलेट फैक्ट्री में ला दिया था। अब चार्ली अपने परिवार के साथ विली वोंका के फैक्ट्री का ख्याल रखता है। अब उनकी वित्तीय स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी और फिल्म इस खुशी भरे माहौल के साथ पूरी होती है। तो देखने के लिए धन्यवाद।